हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब हमने एक पॉइंट चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसका फॉर्मूला निकाला है। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नोड। एफ क्या होता है? एफ इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नोड एट दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल रहे हैं। मतलब अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या करो, वहां पे एक टेस्ट चार्ज रखो क्यू नॉट, उसके ऊपर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है वो निकाल लो, देन फॉर्मूला लगाओ फोर्स बाय जिस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड। अब किसी वजह से निकालनी है, पॉइंट चार्ज की वजह से, तो मैंने एक ओरिजिन पे पॉइंट चार्ज को फिक्स कर दिया। इसकी वजह से सपोज P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जिसका डिस्टेंस कितना है R। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं? टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो हमने टेस्ट चार्ज रख दिया P पे कितना Q नोड। अब फिर क्या होता है, हम निकालते हैं टेस्ट चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q नोड एट P कितना फोर्स आएगा? F इज इक्वल टू, इसको F ले लेते हैं, के क्यू क्यू नोड बाय आर स्क्वायर बाय कूलम्स लॉ। यहाँ पे कैपिटल क्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल क्यू लिया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू क्यू, इसकी वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पड़ा हमने अभी? एफ बाय क्यू नोड। यहां से यार अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वेक्टर का साइन लगाया। तो F का फॉर्मूला के क्यू क्यू नोड बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू नोड, क्यू नोड से क्यू नोड कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला आया? इट इज द वैल्यू ऑफ, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r। तो ये फॉर्मूला याद रखना, इट इज दिस फॉर्मूला इज ओनली गिविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस ऑफ r। तो फॉर्मूला क्या आ गया? KQ by r square। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। अभी तक हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिस्कस किया, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी अभी? KQ by r square। अब हम करेंगे इसको वेक्टर फॉर्म में, मतलब इसकी डायरेक्शन भी देखें। तो अब हमने सपोज किया कि एक क्यू चार्ज है, इसको कहां फिक्स कर दिया हमने? ओरिजिन पे। पॉइंट पी लिया, कितने डिस्टेंस पे ओरिजिन से? आर डिस्टेंस पे सेम, बट इसका पोजिशन वेक्टर क्या लिया हमने? आर। तो आर वेक्टर क्या हो गया? इट इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब हम निकालेंगे क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहां पे टेस्ट चार्ज रखते हैं, कितना? क्यू नॉट। नाउ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई क्यू नोड एट पी कितना फोर्स लगेगा? के क्यू क्यू नोड बाय आर स्क्वायर। अब ये तो सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है फोर्स का। अगर मैं यहां पे लगा दूं वेक्टर तो मुझे क्या देनी पड़ेगी? फोर्स की डायरेक्शन। तो मैंने लिख लिया आर कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर, मतलब इसी का यूनिट वेक्टर है। और डायरेक्शन जिस तरफ इसकी डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन इसकी किस तरफ होगी? अलोंग ओपी, ओ से पी की तरफ। अगर क्यू पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज को भी क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल। अब बार बार वही बात की फोर्स कैसा होता है? सेंट्रल फोर्स, मतलब एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। मतलब ये फोर्स इसी तरफ लगेगा, ये आगे फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर है? अलोंग ओपी। ओपी के अलोंग हमने वेक्टर कौन सा दिए? आर कैप। तो ये आ गया सी डायरेक्शन। तो ये हो गया क्या डिस्कस किया चुके हैं पहले भी चीज, ये होगी इसकी फोर्स की मैग्नीट्यूड और ये हो गया फोर्स की डायरेक्शन। और अगर मैं आर कैप को लिखूं, कैसे लिखूंगा?
वेक्टर आर, मतलब आर वेक्टर बाय में उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को हम सिंपल आर से भी बोल सकते हैं। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू क्यू, इसकी वजह से। तो क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? एफ बाय क्यू नोड। एफ की वैल्यू पुट करो, ए क्यू क्यू नोड बाय आर स्क्वायर, आर कैप अपॉन में क्यू नोड कैंसल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई के क्यू बाय आर स्क्वायर एंड आर कैप। जो के क्यू बाय आर स्क्वायर है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आर कैप ये डायरेक्शन है फोर्स की भी, और ये डायरेक्शन है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की भी। क्योंकि कल पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है? जिस तरफ डायरेक्शन होती है फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज की। तो टेस्ट चार्ज भी क्या लिया हमने? पॉजिटिव। अब एक और फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर कैप की वैल्यू देखो क्या है? आर वेक्टर बाय आर, पुट कर दो आर वेक्टर बाय आर। तो क्या बनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? के क्यू बाय आर क्यू और आर वेक्टर, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। अब क्वेश्चन आता है अगर नेगेटिव चार्ज हो जाए तो कैसे होगा? नाउ यू टू नेगेटिव क्यू, तो हमने क्या किया यहां पे? नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज क्या कर दिया यहां पे? नेगेटिव। अब टेस्ट चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। ये क्या हो गया? नेगेटिव। सोर्स चार्ज, तो ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट, मतलब फोर्स किस तरफ रहेगा? इस तरफ। अब फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब फोर्स की वैल्यू हो जाएगी पी पॉइंट पे, जो क्यू नोड ने एक्सपीरियंस किया, के क्यू क्यू नोड बाय आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो क्या रहा? सेम। अब हमने जो आर कैप लिया वो किधर है? ओ से पी, बट फोर्स किधर लग रहा है? पी से ओ। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस आर कैप। माइनस वाला लग गया क्योंकि नेगेटिव आ गया इसका। क्यों आया नेगेटिव? क्योंकि डायरेक्शन क्या होगी? बिल्कुल उसके अपोजिट। तो मतलब फोर्स क्या बना? माइनस के क्यू क्यू नोड बाय आर स्क्वायर एंड आर कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? एफ बाय में क्यू नोड, तो दैट विल इक्वल टू माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। क्लियर? अब पॉजिटिव चार्ज रखा था तो क्या आया था? प्लस के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। नेगेटिव चार्ज रखा तो क्या आया? के क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। बट ये चीज क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और माइनस आर कैप चीज है, जो माइनस आर कैप है दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब पता क्या लगा? कि जब भी हमने मैग्नीट्यूड लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो चाहे नेगेटिव की हो चाहे पॉजिटिव की हो, फॉर्मूला क्या लिखेंगे? वही के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब मैग्नीट्यूड में उसका साइन कंसिडर नहीं करेंगे। बट अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव पुट करेंगे, जहां नेगेटिव वहां नेगेटिव पुट करेंगे। इसको ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड तो सिंपल क्या लिखेंगे? के क्यू बाय आर स्क्वायर। बट वेक्टर फॉर्म में इस चीज को हम चेंज कर देंगे, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव की और नेगेटिव के लिए नेगेटिव की। अब हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज विद डिस्टेंस। मतलब हमने डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करते ही कैसे वो वेरी कर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला भी क्या पड़ा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब के इज कॉन्स्टेंट, चार्ज इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब ग्राफ बनाने से पहले एक चीज समझते हैं, अगर इक्वेशन हो वाई इज इक्वल टू वन बाय एक्स स्क्वायर, या इसको हम वाई इज इक्वल टू वन बाय एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? अब अगर एक्स जीरो हो जाए तो वन बाय जीरो, तो वाई कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। और अगर एक्स हो जाए इनफाइनाइट तो वाई कितना हो जाएगा? वन बाय इनफाइनाइट का स्क्वायर दैट इज आल्सो इनफाइनाइट, दैट इज वन बाय इनफाइनाइट इज जीरो। तो मतलब ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? यहां पर y और यहां पर x, तो x जीरो पे y इनफाइनाइट, तो x जीरो पे y की वैल्यू कितनी? इनफाइनाइट। मतलब ऊपर की तो ग्राफ बिल्कुल कहां शुरू होगा? इनफाइनाइट से। और y जीरो का पॉजिटिव x इनफाइनाइट होगा, मतलब ये ग्राफ की शेप कुछ ऐसे बन जाएगी। नोटिस करने वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट बात क्या है कि इस y की इस कर्व को x एक्सिस से x एक्सिस के साथ मीट नहीं करवाना, क्योंकि जब ये x एक्सिस के साथ मीट कर जाएगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। बट वो जीरो कब है? जब एक्स कितना है? इनफाइनाइट।
तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस शो कर देंगे। सिमिलरली इसको भी जब ऊपर जाएगा इसको हम क्या शो करेंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स भी जीरो कब होगा, जब वाई कितना होगा, इन्फिनिट। तो इस ग्राफ की शेप ध्यान रखना कि इसको एक्सिस के साथ मीट नहीं करना, ये यहाँ जाके पैरेलल कर देंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमने डायग्राम बनाया था कैसे, एक क्यू चार्ज लिया था ओरिजिन पे, पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं अभी। तो यहां पे डिस्टेंस कितना हो गया, आर इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। ये पॉइंट इस तरफ भी हो सकता है और पॉइंट इस तरफ भी हो सकता है, मतलब पी पॉइंट यहां भी हो सकता है, पी पॉइंट यहां भी हो सकता है। तो हमने एक डायरेक्शन लेनी है क्यू से पॉजिटिव, और डायरेक्शन क्या लेनी है, नेगेटिव। तो मैंने इस तरफ वाली डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट क्या ले ली, पॉजिटिव, और टूवर्ड्स लेफ्ट क्या ले ली, नेगेटिव। क्लियर। अब अगर इस पॉइंट पे इस यहां से राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी हो, अब हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज किस तरफ होती है, आउटवर्ड्स, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया अभी, या आई कैन से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पॉइंट यहां पे कहीं भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इसी तरफ होगी, आउटवर्ड्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस तरफ। इस तरफ डायरेक्शन लेके आ रही थी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ गई, पॉजिटिव। क्लियर। अब पॉइंट आ जाए लेफ्ट में, यहां भी कहीं भी हो सकता है। अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आ गई, नेगेटिव। क्लियर। और इस तरफ आर पॉजिटिव, और इस तरफ जो आर है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब बनाते हैं ग्राफ, चारों का शो करते हैं। आर यहां पे वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, आर यहां पे वैल्यू कैसी, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कैसी, नेगेटिव। कि ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव दिखा रहे हैं, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव दिखा रहे हैं। अब अगर आर जीरो हो जाए तो यहां पे जीरो पुट करो, 1 बाय 0 इज इनफिनिट, मतलब आर जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट डिफाइंड, कैसे, इनफिनिट। तो ग्राफ कैसे बनेगा, अब जब आर पॉजिटिव है मतलब इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, पॉजिटिव, तो मतलब वेरिएशन यहां पे दिखाएंगे, कर्व सेम वैसे जो यहां बनाए रोगी। क्लियर। अब आर जब नेगेटिव हो जाए, जब आर क्या हो जाए, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। जो हमने यहां शो किया था आर इस डायरेक्शन में नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, नेगेटिव। तो ग्राफ ऐसे अगेन, और आर जैसे जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर किधर हो जाएगी, इन्फिनिटी। क्लियर। ये शेप ध्यान रखना, दोनों शेप सिमेट्रिकल होनी चाहिए। क्लियर। तो ये है, इट इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कैसा चार्ज, पॉजिटिव विद डिस्टेंस। अब अगर पॉइंट चार्ज नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, अगेन मैंने पहले बताया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लिखते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब डायग्राम बनाते हैं पहले। अब हमने ओरिजिन पे मतलब आर जीरो पे कौन सा चार्ज रख दिया, उन्होंने चार्ज रखा इस पे माइनस क्यू। तो अगेन एक डायरेक्शन पॉजिटिव, तो सेम ले लेते हैं कि इस तरफ आर कैसे है बच्चे, इस तरफ आर है पॉजिटिव, और इस तरफ आर कैसे है, इस तरफ आर है नेगेटिव। अब अगर पॉइंट हो पॉजिटिव आर की डायरेक्शन मतलब इस तरफ, तो अब क्या पढ़ा था कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज किस तरफ थी, टूवर्ड्स द चार्ज, या हमने बोला था इनवर्ड्स, मतलब चार्ज की तरफ है बनाना, मतलब इस पे पॉइंट पे यहां पे कहीं भी रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस तरफ, इस तरफ वाली डायरेक्शन क्या है, हमने कौन सी डायरेक्शन पूछ ली है, ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेगेटिव। अगर पॉइंट यहाँ पर कहीं है तो इस पे भी इस तरफ होगी, इस पे भी इस तरफ होगी, टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज ना, तो इसी तरफ होगी, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब क्या होगी, पॉजिटिव। अगेन हम ग्राफ बनाते हैं, वही सेम चीज जो पॉजिटिव चार्ज की लिखी थी, इधर पॉजिटिव आर, इधर नेगेटिव आर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। ग्राफ सेम ही आएगा क्योंकि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वही आर जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, इनफाइनाइट। अब जब आर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव,
तो जैसे आर जीरो पे इनफाइनाइट, तो ग्राफ यहां से शुरू होगा और यहां पे आर इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। अब अगर नेगेटिव साइड ना लियो, नेगेटिव आ रही है बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आर नेगेटिव मतलब इस पॉइंट पे बनेगा। और ग्राफ कैसे बनेगा, सेम ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है, इनफाइनाइट हो रही है जब आर कितना है, जीरो, और इलेक्ट्रिक जीरो कब होगी, जब आर कितना है, इनफाइनाइट। ध्यान रखना ये दोनों कर्व भी कैसी होंगी, सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस एट अ पॉइंट। अभी तक हमने सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, कितनी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब है कि बड़े सारे चार्ज आ जाए और एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो बड़े सारे चार्ज मतलब ले लेते हैं हम एन चार्ज लेते हैं, एन मे बी एनी पॉजिटिव नंबर, तो क्यू वन क्यू टू पॉजिटिव इंटीजर क्यू एन, इनकी वजह से सपोज करते हैं किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पी पॉइंट पे। लेट Q1 से डिस्टेंस कितना है R1, Q2 से डिस्टेंस कितना है R2, एंड Q1 से डिस्टेंस कितना है Rn। इन सब की वजह से इस पॉइंट पे क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले निकालते हैं Q1 की वजह से कितनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट P, इसको मैंने सिंबल ले लिया E1, तो फॉर्मूला क्या आएगा, KQ1 by R1 का स्क्वायर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सिर्फ क्या दे रही है, मैग्नीट्यूड, बट मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, तो कैसे लिखेंगे, ईवन वेक्टर के क्यू वन बाय आर वन का स्क्वायर। ये तो क्या है, मैग्नीट्यूड। अब मुझे क्या लिखनी है, डायरेक्शन। अब अभी के लिए इमेजिन करते हैं कि ये सारे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो क्यू वन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आउटवर्ड्स मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये आ गया ईवन। तो मैंने आर वन कैप लिया, इट इज यूनिट वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम Q1 टू P। अब R1 किस तरफ है, Q1 टू P, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ है, Q1 टू P, तो मैं क्या लिख देता हूं यहां पे, R1 का कैप, तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट P। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 एट P, सीधा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो K Q2 by R2 का स्क्वायर एंड R2 कैप। अब सारे चार्ज पॉजिटिव लिए थे, तो Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स, तो भाई इस तरह इसी लाइन के लोग ना, ध्यान रखना जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है, मैंने R2 कैप क्या लिया, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन किधर, Q2 से P, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ, इसी तरफ, तो इसलिए यहां पे क्या लिखा, R2 कैप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Qn एट P, That is En vector, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, के क्यू एन बाय आर एन का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए आर एन का कैप, तो आर एन कैप क्या होगा, अब पॉजिटिव है तो अगेन आउटवर्ड्स पी एन, तो पी एन की आर एन क्या होगा, यूनिट वेक्टर कहां से कहां, क्यू एन टू पी। तो अब निकालते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, P पे इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इनको कैसे ऐड करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा से, तो मतलब B वेक्टर इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर अप टू En वेक्टर। इसका मतलब अगर डिफाइन करना हो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, मतलब कोई भी जनरल पॉइंट, ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज, इंडिविजुअल चार्ज Q1 की वजह से E1, Q2 की वजह से E2, Qn की वजह से En, ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज एट दैट पॉइंट। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैल्यू पुट कर दो, E1 की वैल्यू क्या है, K Q1 R1 का स्क्वायर R1 कैप, K Q2 R2 का स्क्वायर R2 कैप अप टू K Qn Rn का स्क्वायर एंड Rn का कैप। अब हमने सारे चार्ज क्या लिए थे, पॉजिटिव। अब क्वेश्चन में जरूरी थोड़े सारे चार्ज पॉजिटिव होंगे, सपोज करते हैं कि इनमें से Q2 क्या है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं अब हम, अगर ये नेगेटिव केस है तो E2 चेंज होती क्या, K Q2 by R2 का स्क्वायर। अब अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती इनवर्स मतलब अलोंग पी क्यू टू, Q2 से P क्या लिया था, R2 का कैप, P से Q2 क्या होगा, माइनस R2 का कैप, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होगी,
तो क्या रहता है माइनस के क्यू टू बाय आर टू का स्क्वायर एंड आर टू कैप। तो यही चीज मैं समझा रहा था कि अगर बीच में कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए तो सिंपली वहां पे क्या कर लेना, उस चार्ज का साइन कंसीडर कर लेना। देखो पॉजिटिव था तो क्या रहता के क्यू एन बाय आर एन का स्क्वायर और आर एन कैप, नेगेटिव आया तो क्या हो गया माइनस के क्यू टू स्क्वायर बाय आर टू स्क्वायर। क्लियर? अब चीज ध्यान रखना कि ये चीज जो है सिर्फ वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव पॉजिटिव साइन लगाना, अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो हम सिर्फ क्या लेंगे चार्ज की वैल्यू, नोट द साइन। क्लियर? अब इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव को लेना और नेगेटिव को लेना।